आज सूरन का कोफ्ता बनाएंगे। पहले ग्रेवी के लिए तैयारी करेंगे। ग्रेवी के लिए एक थाली में मैंने अदरक, मिर्ची, खसखस, लवंग, दालचीनी, टमाटर, हरी धनिया, काजू ये सब लिया है। इसको मिक्सी में डाल के अच्छा पेस्ट कर लेंगे। आलू और सूरन को ऐसा बॉईल करके छिलका उतार लिया है। धनिया, ग्रीन मिर्ची, अदरक ये सब अभी आलू और सूरन में डाल रही हूँ। थोड़ा बेसन, बाइंडिंग के लिए बेसन पड़ता है, इसको स्मैश करेंगे। आलू और सूरन को अच्छी तरह से स्मैश कर लेते हैं। देखिए, हाथ से अभी मिक्स करेंगे। स्वादानुसार नमक डाल रहे हैं। अच्छा मिक्स करने के बाद इसमें अभी धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी ये भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर ऐसा लोई बनाएंगे। जैसे पूरी में हम लोई बनाते हैं ना, ऐसा लोई बना लेंगे। देखिए, सारा लोई बन करके तैयार हो गया है। इसको अभी तल लेंगे। तेल गरम हो गया है, एक एक करके मैं अभी तेल में डाल रही हूँ। थोड़ा इसको धीरे से डालना होता है। थोड़ा बहुत हिफाजत से करना है। देखिए, जैसे गुलाब जामुन के लिए तलते हैं ना, ऐसा ये रोज कलर तल लेंगे। देखिए, तल गया है। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। कई बार टूटता भी है, इसलिए थोड़ा बहुत होशियारी से करना पड़ता है। अभी ग्रेवी बनाएंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। हींग, जीरा, कड़ी पत्ता, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल में डालने से रंग अच्छा आता है, इसलिए तेल में डाला है। अभी जो मिक्सी करके पेस्ट रखा था ना मसाला, उसको डाल के अच्छी तरह से इसको घुमा लेंगे। देखिए, जब तक ऑयल ना निक छूटे तब तक थोड़ा ऐसा भून लेते हैं। देखिए, ऑयल छूट रहा है। अभी नमक डाल रही हूँ। कितना अच्छा ऑयल छूट रहा है। देखिए, अभी इस कंडीशन में पानी डालेंगे। पानी डाल के एक 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। अभी सर्विंग के लिए कटोरी में अलग अलग से कटोरी में कोफ्ते रखकर उसके ऊपर ग्रेवी डालेंगे। एक ही बार डाल के रखने से ना वो टूट जाता है, इसलिए सर्व करने के समय ही ग्रेवी डाल करके सर्व करना होता है। देखिए, ऐसा सूरन का कोफ्ता रेडी।